और लाइट गाइड, तो जैसा कि फरवरी मंथ यहाँ पे ओवर होने वाला है और फरवरी और जनवरी के अंदर हम लोग को इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्चेज यहाँ पे देखने को मिले और जितने भी ये लॉन्चेस थे अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स इसकी प्राइसिंग थी। तो सारे जो स्मार्टफोन थे फ्लैगशिप लेवल्स पे थे, मिड रेंज और बजट रेंज में कहूँगा कि मैं इतने ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुए, बट यहाँ पे मार्च के अंदर आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस तो देखने को नहीं मिलेंगे बट बजट रेंज और मिड रेंज को काफ़ी ज़्यादा ये लोग टच करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स मार्च के अंदर कौन कौन से लॉन्च होने वाले, और ये वीडियो जो है हम लोग रेगुलर वेस पे करते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करिएगा, ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस रेगुलर वेस पे करते रहते हैं। ये चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले बात करते हैं अराउंड 20,000 प्राइसिंग के अप्रॉक्स के कौन कौन से फोन यहां पे लॉन्च होने वाले हैं। तो मोटो की तरफ से आने वाला है मोटो का G73 जिसकी प्राइसिंग काफी अच्छी है यहां पे होने वाली है और अप्रॉक्स 2 मार्च यहां पे लॉन्च हो जाएगा। और अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहां पे आपको नॉर्मली यहाँ पे IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 20 वॉट की चार्जिंग के साथ आने वाला है, तो ओवरऑल स्पेक्स काफी अच्छे हैं। और इसी के अंदर आपको Realme का भी एक फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, Realme 10T जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, 90 हर्ट्ज की एंड्रॉइड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और काफी अच्छी डिस्प्ले भी होने वाली है, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, प्रोसेसर सुनाई में पड़ रहा है कि 810 प्रोसेसर आपको Dimensity की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें अराउंड 20,000 प्राइसिंग के साथ यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं अपर साइड 40,000 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से फोन यहां पे लॉन्च होने वाले हैं। तो 40,000 के अंदर यहां पे लॉन्च होने वाला है ओप्पो का रेनो 10 सीरीज यहां पे लॉन्च होने वाली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना के अंदर पहले लॉन्च हो गई थी, अब ये इंडिया के अंदर आने वाली है जहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ ये होने वाली है और एंड ऑफ द मार्च ये लॉन्च हो जाएगी और काफी अच्छा फोन है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये लोग कब लॉन्च करते हैं। वैसे एंड ऑफ द मार्च अभी डेट डिसाइड नहीं है बट एंड में ये लॉन्च हो जाएगी। और अगर बात करें यहां पे वीवो के बारे में तो वीवो 27 सीरीज जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। डेफिनेटली ये सीरीज काफी अच्छी है, उसमें आपका पहला प्रो वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च होगा, उसके बाद सारी सीरीज ये लोग लॉन्च करेंगे। स्पेक्स के बारे में बात करें यहाँ पे Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ होने वाला है और आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी, तो ओवरऑल जो स्पेक्स है काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वीवो की तरफ से वीवो V27 सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर बात करें यहाँ पे पोको के बारे में तो पोको X5 GT जो है वो भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं और स्पेक्स काफी अच्छे हैं इसके, आपको 7 Gen 2 के साथ देखने को मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, 50 MP का ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, तो ओवरऑल जो स्पेक्स है काफी अच्छे होने वाले हैं। और पोको वाले भी इस मार्च में इस फोन को लॉन्च करने वाले हैं और प्राइसिंग अप्रॉक्स की है 40,000 के अप्रॉक्स होने वाली है। और इसकी जो अगर डेट की बात करें तो मिड ऑफ द मार्च या एंड ऑफ द मार्च ये भी फोन लॉन्च होने। और अगर बात करें इसी में बिगेस्ट लॉन्च के बारे में जिसके लिए आप लोग रुके हुए थे और काफी जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, OnePlus Nord 3 की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेक्स काफी अच्छे यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के साथ होने वाला है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसर यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है बट ये ज्यादा Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ होने वाला है, तो डेफिनेटली नॉर्ड सीरीज काफी ज्यादा फेमस है और उसके लिए काफी ज्यादा लोग रुके भी हुए हैं। तो अब फाइनली ये मार्च के अंदर लॉन्च होने वाली है और एंड ऑफ द मार्च शायद से ये लॉन्च हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 40,000 प्राइसिंग के साथ कौन से फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाले। तो यहाँ पे एक ही फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, Realme GT 3, और आपको भी पता है कि मैंने टेक न्यूज़ में भी आप लोगों को पहले बताया था, इसके अंदर आपको 240 वॉट की यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको फोन को 9 मिनट के अंदर फुल चार्ज करेगा 0 से 100%, तो काफी अच्छी चार्जिंग यहाँ पे होने वाली है। और अगर और स्पेक्स के बारे में बात करें, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मैंने बताया आपको, और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, तो ये सारे स्पेक्स ये लॉन्च होने वाले। और अगर बात करें इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में तो 1 वीक ऑफ द मार्च या 2nd वीक ऑफ द मार्च यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 50,000 प्राइस रेंज के अबव जितने भी स्मार्टफोन्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे लॉन्च होने वाला है Oppo Find N2 Flip जो अभी फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और इंडिया के अंदर अभी लॉन्च होने वाला है, मार्च में देखने को आपको मिलेगा। और अगर स्पेक्स के बारे में बात करें, Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ ये होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और 6 मार्च को ये डेफिनेटली इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और ये जो फ्लिप फोन है काफी अच्छे स्पेक्स और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, तो चलिए फिर देखते हैं कि 6 मार्च को कितनी ज्यादा ये हाइप बनाता है। और अगर बात करें यहाँ पे Xiaomi के बारे में तो Xiaomi का भी एक फ्लैगशिप फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, Xiaomi 13 Pro, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ग्लोबली यहाँ पे लॉन्च हो चुका, तो अब इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। स्पेक्स के बारे में बात करें तो कर्व्ड स्क्रीन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ होने वाला है, 6.7 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और अगर बात करें लॉन्चिंग डेट के बारे में तो अभी रिसेंटली 28 फरवरी को ये लॉन्च हो चुका है और ये सारी चीजें लॉन्च हो चुकी, बट इंडिया में आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली जो स्पेक्स हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी और Xiaomi की तरफ से अब ये फ्लेक्सिबल फोन जो है वो लॉन्च होने वाला है।
और अगर बात करें यहाँ पे ग्लोबली लॉन्च के बारे में, तो ग्लोबल के लॉन्च भी कुछ थोड़े से फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि मोटो का X40 प्रो जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, और अगर बात करें X90 सीरीज भी यहाँ पे वीवो की तरफ से आने वाली है। तो पहले एक्स जो वीवो V27 सीरीज है वो मार्च के अंदर लॉन्च करेंगे, उसके बाद X90 सीरीज पे लोग जाने वाले हैं। तो पहले V27 जो बजट सीरीज है वो लॉन्च होगी, उसके बाद X90 सीरीज यहाँ पे लॉन्च होगी। और अगर बात करें पोको के बारे में, तो पोको F5 भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जो भी काफी अच्छे स्पेक्स यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो फ्लैगशिप भी लॉन्च करने वाले पोको वाले, और मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले। और अगर बात करें फाइंड सीरीज के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है फाइंड सीरीज फ्लैगशिप सीरीज काफी अच्छी होती है, तो ओप्पो फाइंड X6 जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो यही कुछ सारे फोन्स है जो मार्च के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और भी कुछ फोन्स यहाँ पे लावा की तरफ से आने वाले, इन्फ्लिक्स की तरफ से आने वाले, तो जो श्योर होते हैं वही हम आपको लोग को बताते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को हमारी ये सीरीज कैसी लगती है, और आप किस फोन के लिए एक्साइटेड हो। वैसे मुझे भी पता है कि आप लोग OnePlus Nord 3 के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे भी पता है, और ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है, और काफी सारे लोग इस सीरीज के लिए रुके हुए हैं, तो अब फाइनली ये लॉन्च होने वाली है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज रेगुलर बेस पे करते रहते हैं। चलिए फिर आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।